मनीष जी, मैंने अभी एक खबर भी डाली, दिखाइएगा कि जरा दर्शक गौर करें, ये जो सज्जन अभी बता रहे थे ना कि इतिहास पिछला मत बताओ, कि एक भी मुसलमान पिछले 2 महीनों के दौरान, चाहे वो यूट्यूब वाला पहुंचा हो और चाहे कोई न्यूज चैनल वाला पहुंचा, जो रिपोर्टर एंकर एडिटर पहुंचा या जो 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 इनके न्यूज चैनलों के स्टूडियो में आके बैठे, एक भी मुसलमान मुझे ये कहता नहीं मिला कि नहीं नहीं कि हम मजहब के आधार पर वोट देंगे या मजहब को पैमाना बना के वोट देंगे। उसने राग क्या लापा बनी जी, कि बेरोजगारी मेरे लिए मुद्दा है, मेरे लिए संविधान बचाना मुद्दा है। वो आजमगढ़ के वो बड़ा छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहन के खड़ा था, बता रहा था हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है, हम संविधान बचाना है और महंगाई मुद्दा है। अब जरा मनीष जी वो खबर दिखा दीजिए, फिर बताता हूँ कि ये जितना 2 महीने से जितना मुसलमान बता रहा है कि हमारे लिए तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और संविधान बचाना मुद्दा है, जरा इस खबर को देख लें तो इसके सोचिए कि ये कितने ईमानदारी से कितनी सच बोल रहे थे, और कितने ट्रेंड है वो जो हमारे हिंदूवादी लठैत हैं वो जरा इनसे सीख लें। बिल्कुल, अभी शायद मुझे अभी लगता है अभी जी वो स्टोरी ड्रॉप नहीं हो पाया है आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम उस विषय को जब तक वो यदि हो सके, यदि ड्रॉप हो जाए, यदि वीडियो, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सतीश जी ने क्यों ना, वो रिसर्च निकाला है। वीडियो नहीं है मनीष जी, वो खबर मैंने ट्वीट की है, खबर मैंने ट्वीट की है, देखिएगा वो लगी हुई है कि वो खबर है, वीडियो नहीं है। मुझे दिख नहीं रहा है वो खबर। वो सबसे सबसे ऊपर वाले जो पिन वाला ट्वीट है उसके ठीक नीचे, उसका ठीक नीचे है कि ये जो, और हाँ उसके बेरोजगारी बताना, संविधान बचाने के लिए और विकास, इनका पहला इनका जिस मुसलमान के मुंह में माइक लगा उसने कहा सबसे पहले मेरा जी मुद्दा विकास, उसके बाद फिर बेरोजगारी, फिर संविधान बचाना है और महंगाई। इस चार के अलावा पांचवी चीज लाई नहीं गई, वो केवल यही 5 और 2 महीने से मैं देख रहा हूँ किसी ने नहीं कहा कि मजहब के आधार पर जो है मोदी को हटाना चाहता हूं, हराना चाहता हूं। तो जरा पहले खबर देख लीजिए मनी जी, क्लिक करिए। हाँ हेडिंग है इंडिया मुस्लिम्स कंटिन्यू टू बी अंडर रिप्रेजेंटेटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, और ये इन्हीं के एक संस्थान की है, मकतूब, मकतूब मीडिया मुस्लिमों का एक संस्थान है और एनी आरिफ की ये रिपोर्ट है। जरा नीचे वाला जो मनी जी है, पहले ऊपर पढ़े देते, नीचे वाला जो पैरा है जो कलर है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021, द एनरोलमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज लोअर देन दी अदर सोशल ग्रुप्स विद मुस्लिम एनरोलमेंट एट 4.6%, ओबीसी एससी एंड एसटी रिप्रेजेंटेशन 35.8, 14.2 एंड 5.8 रिस्पेक्टिवली, यानी जो दलित आदिवासी और ओबीसी के जो रिप्रेजेंटेशन हो 35%, 14%, 19, कुल मिला के 19% हो जाता है उनका ये था। लेकिन मुसलमानों का जो हायर उच्च शिक्षा में जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल 4.6% था, और ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। और इसके बाद बताता हूँ कि आगे क्या है, उससे पहले जो है कि जरा मनी जी ये पढ़े देता हूँ मैं, कि ऑन 13 जून 2023 द नेशनल टेस्ट एजेंसी रिलीज द लिस्ट ऑफ द टॉप 50 स्टूडेंट्स हु क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। बरीरा अली 18 फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश इज द ओनली मुस्लिम कैंडिडेट अमंग द टॉप 50। दिस ट्रेंड इज कंसिस्टेंट विद द हाइएस्ट ऑफ 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स इन एनईईटी टॉप 50 इन 2020। मुस्लिम स्टूडेंट्स हैव मुस्लिम स्टूडेंट्स हैव बीन इन द बैक सीट इन अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स एज वेल। आउट ऑफ द 993 कैंडिडेट्स वो हु क्लियर क्लियर्ड यूनियन यूनियन पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन कमीशन, यूपीएससी। ओनली 29 वर मुस्लिम, यानी है इन द पास्ट 7 इयर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर यूपीएससी वाज 5.30% इन 2019, यानी पिछले 7-8 सालों से जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन का परसेंटेज है वो, तो पढ़े लिखे हो नहीं, 4% तुम्हारा एनरोलमेंट है ग्रेजुएशन लेवल पे, और नौकरी की इनको सबसे, बेरोजगारी की इनको बड़ी चिंता, इनको नरेंद्र मोदी इनको जनरल मैनेजर बना दे किसी रेलवे में
तो ये बड़े खुश होंगे, तो ये नहीं मतलब बेरोजगारी जन्म लेते ही घटेगी। पंचर पंचर बनाने का काम, कारपेंटर का काम करेंगे और चाहेंगे कि यूपीएससी हाँ, में हो जाए। नहीं, बेरोजगारी का ये। और मनीष जी, विकास विकास के नाम पर पिछले दो दो महीने से, खासकर उत्तर प्रदेश में, जितने मुसलमान आए टेलीविजन पे, वो सब झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे। और अब बताता हूँ मनीष जी, उसका कारण क्या है। उत्तर कह रहे कि हम तो विकास चाहते हैं, अखिलेश ने बड़ा विकास कराया था। उत्तर प्रदेश के दस्तावेज बताते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश के आधे घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। बिजली होना तो छोड़ दीजिए, बिजली कनेक्शन ही नहीं था। आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब जाता था। आज की तारीख में 100% कनेक्शन है। तो वो मुसलमान बता रहा कि विकास नहीं हो रहा, क्योंकि अखिलेश ने विकास किया था, तो हम योगी को नहीं, अखिलेश को वोट देंगे। योगी को हम, योगी मोदी को हटाना चाहते हैं। ये विकास के नाम पे झूठ, बेईमानी। और मनीष जी, एक और, वो भी दस्तावेजी है, और ये खैराती की, और ये सनसनीबाज, ये पाड़ा सनसनीबाज तो ऐसा नाच रहा था लट्टू की तरह, जब वो वहां जहाँ पे पोलिंग बूथ पे खड़ा था। अच्छा, बेरोजगारी कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता कि 5 साल के अखिलेश यादव के शासनकाल में केवल 50,000 सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में मिली थी, और आज की तारीख में 7 साल के शासनकाल में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी। ये जो कहते ना कि पर्चा आउट हो गया और फलाना हो गया, धमाका हो गया, ये अलग है। 6 लाख नौकरियां दी जा चुकी, तो ये तो दस्तावेजी है। तो अखिलेश यादव से 12 गुना ज्यादा नौकरी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार में दी है। और वो मुसलमान जो था कि बेरोजगारी है, अखिलेश के समय में थी, तो हम तो उन्हीं को देखे। तो ये झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। विकास के नाम पे जहां पे आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबता था, तो आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है। इनको विकास अखिलेश यादव में नजर आता था, जब 50% उत्तर प्रदेश में अंधेरा था। मोदी सरकार ने, ये तो नेशनल चुनाव है, कि 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दिए, और 10 साल में कांग्रेसियों ने 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए थे। लेकिन ये कह रहे नहीं, मोदी का, हमको तो विकास चाहिए, मोदी ने विकास नहीं किया, हम वही कांग्रेस को लेकर ढोएंगे। तो ये झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। इनका ये अपना जहर नहीं बताते कि हम धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर हम कूड़े में पड़े रहेंगे। हालांकि हमको वोट वही चाहिए जहां पे वही कि सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, गवर्नर हाउस में, राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तारी हो, और आके खजूर तोड़े मुख्यमंत्री हमारा, टोपी ओपी लगा के। तो ये वोट इस पे दे रहे हैं, और बहाना बनाने के लिए वो सनसनीबाज मनीष जी, कोई अगर मोदी तारीफ कर देता है तो उसका इंट्रोगेशन करने लगता है। इनको सनसनीबाज या तो पागल है या अनपढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। आप जो कहते हो बिना पढ़ा लिखा, कि वो जब कहते हैं कि अखिलेश ने बड़ा विकास कराया था, तो उनसे क्यों नहीं पूछता कि अखिलेश के समय 50,000 नौकरी दी गई थी, योगी के समय में 6 लाख। तो ये कैसे, कौन सा तुम्हारा पैमाना? लेकिन सनसनीबाज नाचने लगता है लट्टू की तरह। तो ये जो नरेंद्र मोदी ने आज कहा, वो तो बिल्कुल सही कहा कि ये पूरी दलाली पे लगे। और तो और मोदी, ये सर्वनाक आंकड़ा हो रहा है, ये जो बेशर्म कहते हैं कि विकास के नाम पे हम तो अखिलेश को वोट देंगे, योगी मोदी ने कुछ नहीं किया। कि उत्तर प्रदेश में 1,01,11,00,000 मनीष जी यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में घर है, और उनमें से केवल 11 लाख घरों में नल से जल जाता था, और आज की तारीख में 69 लाख घरों में नल से जल जाता है, यानी 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है। और ये कहते हैं कि योगी ने विकास नहीं किया, और जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में 67 साल में केवल 11 लाख घरों में पानी पहुंचा था, वहां मुसलमान वोटर बता रहा कि नहीं, विकास तो वही हुआ था, और योगी और मोदी ने तो सब चौपट कर दिया। तो बड़ी दूसरी तुलना करूंगा कि किसको क्या अच्छा लगता है, वो उसको वही चाहिए उसको। और इसीलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मनीष जी, किसी ने नोट नहीं की, और आज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री कितने माइन्यूटली नोट करते हैं, फिर उसके बाद हिसाब से फिर वो अपना है फैसला वो करते हैं। कि ये मनीष जी याद करिए, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा तो चुनावी सभाएं हो चुकी प्रधानमंत्री मोदी की, 200 से ऊपर हो गई हैं। एक भी जनसभा में, एक भी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं कहा कि सबका साथ सबका विकास। उनको बड़ा कड़ुआ सबक सिखाया है इन्होंने कि 10 साल तक तुम भले हमारे पैर दबाते रहो, हम लात ही मारेंगे, हम तुमको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। तो वो भी समझ गया कि इन एहसान फरामोशों के इनको ये पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं कि तो सबका साथ सबका विकास। अब की उन्होंने दो जो वो हर अपनी मीटिंग में कहते थे, हर भाषण में कहते थे 10 साल तक, वो अब उन्होंने त्याग दिया। मैंने कहा ना, जरा चैलेंज है कि जरा बताइएगा कि 200 मीटिंगों में उन्होंने एक भी मीटिंग में नहीं कहा कि सबका साथ सबका विकास। तो अब की उन्होंने कहा नहीं है, अब की ये आपको कर दिखाई भी देगा, अब की वो दिखाई भी देगा कि किसका साथ और किसका विकास। ये को बहुत अच्छे से इन्होंने
सबक सिखाया है, कोई कसर बाकी रखी नहीं है। उस आदमी ने 10 साल इनकी भुखमरी दूर की, इनका भिखारीपना दूर किया, ये जो सड़क पर लूटा करते थे कुत्तों की तरह, उनको इनको घर के लिए मकान दिया, इनको शौचालय दिया, इनको लोन दिया मुद्रा लोन का, और उसके बाद ही बताते कि नहीं नहीं हम तो विकास पे अखिलेश को वोट देंगे, राहुल को वोट देंगे, मोदी ने योगी ने तो सब डुबो दिया। तो उनकी समझ में आया कि जो कहावत थी कि अभी 2 साल बाकी है कि कुत्ते की दुम को अगर नली में डाल दो तो 12 साल में सीधी नहीं होती, तो 10 साल में उन्होंने देख लिया कि अभी 12 साल में भी सीधी नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है सर आपने, मुझे लगता है कि इस पे इसका तो हेडिंग ही होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। मोदी ने इस पूरे चुनावी भाषण में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि पिछले 10 साल से वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे और बाद में उन्होंने उसमें सबका विश्वास जोड़ा था, तो उन्हें लग गया कि विश्वास के लायक नहीं है। नहीं है सर, मुझे समझ में आता है कि खैरातियों को तो खैरात मिलता है तो चापलूसी करते हैं, मैं जानता हूं उनको कि एमसीडी का चुनाव होता था, एमसीडी के ट्रक घुमा करते थे इन खैरातियों के घर, बासमती चावल घी ये पहुंचा करता था कांग्रेस के दौर में, मैंने खूब देखा हुआ है, क्योंकि मैं तो कोर्ट रिपोर्टर था तो चर्चा इसकी होती थी, वो सब दौर खत्म हो गया। छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस में बड़े लेवल पे ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा मिलता था, बड़े लेवल पे बड़े कीमत की जो है वो शराब होती थी, साउथ दिल्ली में फ्लैट मिला करते थे 2 BHK, इस लेवल का विदेश यात्राएं होती थी, सब खैरात बंद हो गया। तो खैराती आज भजन गा रहे वो तो समझ में आता है, खैराती भजन गाए वो सब समझ में आता है, लेकिन सवाल सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिनको शौचालय दिया, जिनको जिनके घर में बिजली पहुंची, जिनके घर में उज्ज्वला योजना पहुंचा, ये खजूर की बात जो सतीश जी जो कर रहे हैं वो तो सेलेक्टिव कुछ लोगों को मौका मिलता है, लेकिन ये भीड़, इसीलिए प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की बात नहीं की, उन्हें इस बात की पीड़ा है और वो इस बात को समझ पाए हैं, और इसीलिए जब लोग कहते हैं कि एक भी नुमाइंदगी क्यों नहीं मुसलमानों की है, तो मुझे लगता है एक एक चीज का जवाब ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ना मनीष जी, ना तो 200 चुनावी रैलियों किया और ना किसी इंटरव्यू में किया, तो जो आपने कहा हेडिंग तो यही होनी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास, मैंने कर दिया तैयार। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये उन सब का जवाब है कि आपके लिए, इसलिए मैंने कई बार कहा सर, मैं जब कांग्रेस पार्टी कवर करता था, कांग्रेस पार्टी में जो उर्दू अखबार के पत्रकार आते थे उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता था, उन्हें सिर्फ इस बात का कि दिल्ली में कहां पर मस्जिद का, किस मस्जिद का इमाम की कितनी सैलरी बढ़ी, किस मदरसे का क्या हुआ, उसके अलावा कहां इफ्ताह, कहां भोजन आज है, उससे मतलब होता, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं सुनते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो अब समझ में आता है कि इंटेंशन क्या है, बात इतनी नहीं है सर, एक अंश मुझे आप लगता है छोड़ रहे हैं, जो छूट रहा है, जो अखिलेश यादव के राज में क्या था, सेलेक्टिव था कि एक जाति विशेष और उससे भी महत्वपूर्ण एक मजहब विशेष, मतलब मुसलमानों के ऊपर FIR नहीं होगी, आमतौर पर नहीं होती थी, आपके खिलाफ वो कुछ भी कर ले, आपका घर लूट ले, बलात्कार करे, मर्डर करे, FIR, यही कारण है कि जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ वो इसलिए कि आजम खान ने FIR नहीं होने दिया, तो उन्हें एक गुंडागर्दी करने की आजादी मिलती थी, मतलब सिर्फ यही, और योगी ने वही बंद कर दिया है, गुंडागर्दी, फिरौती, लूट, वो आजादी खत्म कर दी है।